हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम, आपके अपने यूट्यूब चैनल और टेक कीजी पर सभी का स्वागत है। दीदी भैया चचा फूफा, मंगलवार को दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही विस्तारा की फ्लाइट में सैकड़ों पैसेंजर की जान बाल बाल बच गई। दरअसल विस्तारा की फ्लाइट UK 781 जब आसमान में उड़ान भर रहा था, उसी दौरान उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। विमान के पायलट को जैसे ही इस खराबी के बारे में जानकारी हुई, उसने फौरन ATC से संपर्क किया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। विमान को फौरन दिल्ली एयरपोर्ट के लिए मोड़ा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की जैसे ही जानकारी मिली, दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। करीब 25 मिनट के बाद विमान ने एयरपोर्ट पर सेफ तरीके से लैंड किया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है और यह कैसे काम करता है। आखिर इसके खराब होने से कैसे विमान में मौजूद सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। भैया जी, हाइड्रोलिक सिस्टम एक मशीन है जिसमें दबाव के तहत तरल पदार्थ द्वारा फोर्स डाला जाता है। ऐसी मशीन काम करने के लिए तरल शक्ति का उपयोग करती है। इस प्रकार की मशीन में हाइड्रोलिक द्रव को पूरे मशीन में अलग अलग हाइड्रोलिक मोटर्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर में पंप किया जाता है। फिर इसकी सहायता से बहुत बड़ी मात्रा में बल उत्पन्न करके किसी भारी वस्तु को उठाने या दबाने का काम लिया जा सकता है। यह लीवर के तुल्य बल का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। भैया जी, आप लोग तो ये समझ गए कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि विमान में इस हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या काम होता है और अगर यह फेल हो जाए तो कैसे विमान में बैठे तमाम यात्रियों और पायलटों की जान जा सकती है। भैया जी, आमतौर पर सभी विमान हाइड्रोलिक सिस्टम का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं और आसान शब्दों में कहें तो इसके बिना उड़ान संभव ही नहीं है। दरअसल भैया जी, विमान के व्हील ब्रेक से लेकर लैंडिंग गियर को खोलने बंद करने में, फ्लैप और स्लेट्स यानी कि विंग को इधर उधर घुमाने में, थ्रस्ट को रिवर्स करने यानी कि विमान को उड़ाने में एनर्जी पैदा करने के लिए, स्पीड ब्रेक लगाने के लिए, विमान को सतह पर कंट्रोल रखने के लिए, कार्गो दरवाजे को खोलने लगाने के लिए, विमान के शीशे के वाइपर में और प्रोपेलर पिच को नियंत्रित करने जैसे सभी कामों में हाइड्रोलिक सिस्टम ही व्यापक रूप से काम आता है। इसे आप विमान की ताकत का केंद्र भी कह सकते हैं। भैया जी, अलग अलग विमान और साइज के हिसाब से उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। किसी विमान में एक हाइड्रोलिक सिस्टम हो सकता है तो किसी विमान में दो या दो से अधिक हाइड्रोलिक सिस्टम का भी एक साथ काम करते हैं, जिसका एक ही मकसद होता है विमान को ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स देना, ताकि वो आपको सहज तरीके से लेके आसमान की उड़ान भर सके। चूँकि एक साथ कई हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं, इसलिए किसी एक के फेल होने पर सेफ लैंडिंग कर ली जाती है। अब ऐसे में सोचिए, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल होगा तो विमान की क्रैश लैंडिंग तय है, क्योंकि ना तो उसका लैंडिंग गियर खुलेगा और ना ही उसे थ्रस्ट मिलेगा। थ्रस्ट नहीं मिलने पर विमान नीचे की तरफ आने लगा और लैंडिंग गियर यानी कि चक्का नहीं खुलने पर विमान क्रैश कर जाएगा और सैकड़ों जाने चली जाएंगी। उम्मीद है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम कितना जरूरी होता है और अगर यह फेल हो जाए तो कैसे विमान क्रैश कर जाएगा। भैया जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए और टेक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।